कॉन्ग्रेचुलेशन यार। थैंक यू। सो आज तुमने बाइक ले लिया, मतलब तुम बस आज घूमने चले जाओगे, है ना? ओ भाई क्या गर्म है यार, बहुत गर्म है यार, सीरियसली पता नहीं आज 40 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच गया कुछ, देख सकते हैं। सो हेलो गाइस, हाय, कैसे हो आप लोग? मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है विवेक डायरीज में। सो गाइस, आज वो जो उस दिन मेरे एक दोस्त बाइक डिलीवरी हुआ था उनका रॉयल एनफील्ड क्लासिक, तो आज दोबारा एक दोस्त है, तो वो भी मतलब उसका बाइक आज उसको मिलने वाला है क्लासिक, जो अपना ब्लैक स्टील है। तो चलो यार, वीडियो बने रहे, अच्छे से आपको दिखाते हैं पूरा एवरीथिंग दिखाते हैं, ठीक है? और उसका EMI वगैरह कितना पड़ेगा, किसका फाइनेंस कितना पड़ा है, सब आपको दिखाएंगे अच्छे से। तो वीडियो बने रहिए, ओके? तो डोंट स्किप प्लीज़। चलो पहुँच गया। अरे बाप रे, हिमालयन खड़ी है, वाह क्या बात है। सो ये है उसकी बाइक, जो मेरा दोस्त मानस, जो कि उस दिन लेने वाला था बट उस दिन हुआ नहीं, तो आज उसने फाइनल डिसाइड कर लिया कि आज वो बाइक लेके मतलब बाइक लेके रहेगा ही। सो बहुत प्यारा, देखो लुक्स कितना सुंदर है ना, मतलब बीच में जो डिज़ाइन है ना। सो ये है आपका ब्लैक मेटल का है, सो मेटल ब्लैक क्लासिक न्यूबॉर्न। और इसका अच्छा, उसने ड्यूएल उसने आपका एलॉय वाला लिया है, ड्यूएल EBS का लिया है या। सो ये है, और पूरा सीट कवर उसने पूरा वहाँ पे हो गया है, सीट कवर लगा दिया है एंड लेग्स गार्ड वगैरह भी लगा दिया है, देख सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छा है कि आप जब भी बाइक लेने आओगे तो ये मत सोचिएगा कि बाहर से आप लेग गार्ड लगा लोगे, तो मेरे ख्याल से आप जब भी आओगे तो डीलर से ही लगवा लेना, तो ताकि आप मतलब सब कुछ मिला के आपका एक है ना एक बजट मिला के वो लोग फाइनेंस करा देते हैं, डाउन पेमेंट वगैरह सब कुछ मिला देते हैं। सो डेट्स वाई जस्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी आइए तो लेग गार्ड वगैरह, सीट कवर्स वगैरह सारा, एंड ये भी, सो हेडलाइट गार्ड जो है सब लगा लेना, काफ़ी मस्त लग रहा है यार, है ना? और धूप में भी देखो आज, जैसे जिस हिसाब से आज गर्मी भी है उस हिसाब से चमक भी रहा है, वाह। और इस साइड में आप देख सकते हैं हिमालयंस, जो मेरा सपना था हिमालय लेने, बट कोई बात नहीं, हिमालय अभी मैंने क्लासिक लिया, बाद में जब पैसा वैसा होगा ना, अमीर बनूंगा तब हिमालय ले लूँगा, और ऐसे नए नए और वीडियोस में लाते रहूँगा आपके लिए। यहाँ पे है देख सकते हैं स्क्रैम 411, मैंने जहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैंने एक ब्लॉग बना के रखा है इसका रिव्यू वगैरह। एंड ये है, ये भी ब्लैक कलर का क्लासिक, ये स्पोक वाला, ओके। एंड ये हिमालयन ब्लैक, काफ़ी सेक्सी लग रहा है यार, है ना? सो गाइस ये देखो, अब मानस आ रहा है, वो कुछ दूसरे डीलर में गया है, मतलब शाहिला में ही गया है, तो कुछ और कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है, प्रोसेस चल रहा है उसका, तो उसके बाद उसको चाबी, बड़ा वाला चाबी देंगे, इसका फोटोशूट होगा यहाँ पे, है ना? एंड फाइनली मानस का सारा प्रोसेसिंग अभी चल रहा है फिलहाल, एंड उसका भी ये वाला बाइक सिलेक्ट किया, मतलब ये वाला कलर जो स्टील ब्लैक, और काफ़ी मेरे भी पहले से स्टार्टिंग में मुझे ये पसंद था, मुझे ये कलर लेने का मन था, बट जब मेरा ये वाला जो कलर आया, वो वाला मेरा बाइक खड़ी है रेडिश ग्रे जब आया, तब उसके बाद मैंने सोचा कि वही ले लेता हूँ यार। सो मानस कॉन्ग्रेचुलेशन यार। सो आज तुमने बाइक ले लिया, मतलब तुम बस आज घूमने चले जाओगे, है ना? आज पूरा घूमेंगे, नहीं वैसे मजाक कर रहे हैं, नहीं घूमेगा, क्योंकि जिसने बाइक खरीदता है उसके बाद आपको बाइक को रेस्ट देना पड़ता है स्लाइटली 60, मतलब लाइक 60 में चलो आप, है ना? सो बताओ मानस यार, ये तुम्हारा मतलब ये सिलेक्शन क्यों था, मतलब ये वाला कलर? ये ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक कलर काफ़ी पसंद है ना, और ऐसे ही देख रहा था ऑनलाइन में, देखता अच्छा, और वीडियो वगैरह में भी देखता था, आपकी वीडियो भी देखा, अच्छा फिर ब्लैक ही ले लेता हूँ, अच्छा लगा ये वाला। हाँ नहीं, ये वाला कलर मुझे भी बहुत पसंद है एक्चुअली, क्योंकि देख सकते इसका तो लुक्स देखो यार, काफ़ी अच्छा है और मानस के साथ बहुत मैच करेगा, है ना? सो आप मुझे लगता है कि स्क्रैच भी नहीं आएगा ज़्यादा, स्क्रैच नहीं आएगा, तुम अच्छे से मेंटेन करके रखोगे तो कुछ स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा। एंड बाकी तुम्हारा ये बताओ कि तुमने तुम्हारा जैसे कि अभी ईएमआई वगैरह तुम्हारा कितना पड़ रहा है, डाउन पेमेंट तुमने कितना दिया है? डाउन पेमेंट दिया है 50,000 दिया है ना? ड्यूरेशन कितना है, कितने महीने का, सॉरी कितने साल का? 5 साल के लिए, ओके 5 साल के होगा, तो मतलब यानी कि तुम्हारा
लाइक 4,500 समथिंग कुछ अप्रोक्स आएगा. और ठीक है, अप्रोक्स बोलते हैं हम लोग. सो यार ग्रेट यार, सारा सब कुछ लगा दिया है, सीट कवर्स वगैरह लग गया है एंड और बाकी उसके बाद फिर और बताओ तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग क्या है. ये बाइक कहाँ लेके चलोगे तुम? प्लानिंग आपके साथ शिलोंग जाने का मन है. शिलोंग मेरे साथ? चलो ठीक है यार, एक साथ हम लोग शिलोंग चलते हैं, है ना. मनुष्य का भी तो बाइक आ गया, तो हम लोग एक साथ शिलोंग चलते हैं. शिलोंग क्या मतलब मेघालय और अरुणाचल वगैरह कहीं भी जाएंगे, है ना. सो अच्छा लगेगा एंड तो बहुत अच्छा कलर चूज किया है. पहले तुम्हारा कुछ अलग बाइक लेने का मन था शायद? मेरा हिमालयन लेने का मन था. हाँ, ये वाला ब्लैक वाला लेने का मन था ना. इसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाएगा ना, अफोर्डेबल शायद थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना उसके लिए. फिर ये वाला भी देखा क्लासिक. हाँ दिख के भी पसंद आ गया. अच्छा फिर ये वाला ही चूज कर लिया. नहीं नहीं भाई, सही है. और ये आपका एलॉय व्हील, बहुत सारे एलॉय व्हील का है एंड आपका ये ड्यूएल एबीएस. तो गाइस वही है, ड्यूएल एबीएस और एलॉय के हिसाब से आपका थोड़ा सा दाम थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है. मेरा थोड़ा सा मनोज और मेरा थोड़ा कम दाम था, बट इनका अगर आप इस कलर के हिसाब से आपका मायने रखता है, आपका प्राइस वगैरह चेंज होता है ना. सो इसका थोड़ा इसलिए थोड़ा हाई हुआ है. 50,000 देने के बावजूद भी आपका EMI वगैरह आपका 5 ईयर्स के लिए लिया तो आपका वही 4,500 समथिंग कुछ अप्रोक्स आया है. और इसमें तो ड्यूएल एबीएस है, तो ओवरऑल सब मिला के आपका थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, बात वही है और कुछ नहीं है. तो ये बाइक आप ले सकते हो, बहुत अच्छी बाइक है. और रॉयल मतलब कुछ भी बाइक ले सकते हो आप, ये चारों में से आपको जो आपको पसंद आए तो ले सकते हैं यार. और जिन लोग गुवाहाटी वाले आप शाहिला में, ये शाहिला में लेके ले सकते हैं. और इवन आपका अगर बाहर जो बाहर वाले हैं, आउट ऑफ बॉडी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, केरला जो जा रहे हो, तो लीजिए बाइक. न्यू बॉन्ड्स बहुत मस्त है. हिमालयन उन लोग लीजिए जो लोग ऑफ रोडिंग करते हैं, बाइक लॉन्ग जर्नी करते हैं, ये भी लॉन्ग जर्नी के लिए है. और हमारा भाई भी जाएंगे, हम लोग एक साथ जाएंगे बहुत दूर, सो काफ़ी मज़ा आएगा. तो मैं सोच रहा था कि हिमालय लूँगा. अच्छा ब्लैक वाला. ओके फिर आपका जो वीडियो देखा वो देख के मुझे 100% ये लेने का मन किया. कौन सा? इसीलिए आपको भी कॉल किया और ये बाइक ले भी लिया. अरे वाह क्या बात है. कौन सा ब्लॉग हुई? रॉयल एनफील्ड वाला मेरा जो मैंने लिया था डिलीवरी. अच्छा थैंक्स सर, थैंक्स यार, थैंक्स. भाई बोल रहा कि वो ब्लॉग देख के उनको मन गया है. मनोज भी वही सीधा फ़ोन किया उसने, फिर बोल दिया कॉल, भाई मुझे भी, विवेक भाई मुझे भी बाइक लेना है. तो उस हिसाब से हम लोग आ गए यहाँ पे और फाइनली मनोज ने बाइक ले लिया और मानस ने भी फाइनली बाइक ले लिया. सो उसके लिए मुझे भी खुशी मिल रही है कि अगर मेरा अगर दोस्त लाइक मेरा अगर फ्रेंड्स के बीच में अगर कोई अगर ये सब बाइक खरीदना चाहता है तो यार डेफिनेटली यार हम हेल्प करने कभी भी रेडी है. सो ठीक है गाइस, अभी वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं, है ना. तो कुछ लोग कहना चाहते हो गाइस? प्लीज सब्सक्राइब करो विवेक भाई को. अच्छा हाँ, लाइक कर देना, करो, फॉलो करो, कर देना भाई, इंटरेक्शन देता है और अच्छा वीडियो बनाता है. ओह माय गॉड. चलो उनका बाइक लेना हो गया तो मैं भी अभी चलता हूँ, अभी कुछ काम भी है तो काम वाम कर लेता हूँ. और लंच नहीं करता, लंच भी कर लेता हूँ बाहर भी अभी. सो ठीक है गाइस, वीडियो देखा था लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस. आप लोग हमेशा वीडियो बने रहे और हमेशा सपोर्ट करते रहिए गाइस. ठीक है, सो बाय, टेक केयर, अलविदा.